चैनल बढ़ा दे, चैनल बढ़ा दे हमारे बिटिया का। सुन लीजिएगा, बोलिए चैनल मेरा बढ़ा दीजिएगा, चैनल बढ़ा दे हमारे बिटिया का। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है मेरी फ्रेंड, आई है मुझसे मिलने। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट ही कर रही हूँ तो मैं मेरी प्यारी सी फ्रेंड से भी मिला लेती हूँ। तो आप लोग ने कई वीडियो में देखा है इनको, तो आज फिर बहुत दिनों बाद मिलने आई हूँ। हाँ, वैसे पहले हम लोग पता है रोज डेली मिलते थे, अभी भाभी आती ही नहीं है तो कभी कभी मिल लेते हैं। कोई नहीं, इनका बाबू आया ना तो हम बिछड़ गए। बाबू आया तो हम लोग बिछड़ गए। तो चलो अभी वीडियो में आप लोग बने रहिए, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो भाभी, मैं चलने वाली हूँ साड़ी लेने, तो आप भी मेरे साथ चलो। चलो तो हम जा रहे हैं साड़ी लेने किसी को देने के लिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो चलो चलते हैं, मैं आप लोग को कैप्चर कर रही हूँ। देखो ढेर सारी ये साड़ी खरीद रही है भाभी, चुरा चुरा के अपने मायके भेजने के लिए। शकल दिखा दो, शकल दिखा, अरे दिखा दो, मैं सासू माँ से चुगली करने वाली हूँ। देखो तुम्हारी बहुरिया क्या कर रही है। ए आंटी जी सबको देखो साड़ी देती है, साड़ी वाली आंटी के सासू माँ का बेटा तो लाएगा जेल से छुड़ा के ले। बेटा कमा रहा है, बहू लुटा रही है। हो गया क्या आपका? इतनी लुटाने वाली दिखती है बहू। नहीं अरे, मैं आपको भला ऐसा बोलूंगी? अगर आप लुटा भी रहे हो तो खुद कमा रहे हो, लुटाओ आपकी मर्जी। हेलो, मैंने आपको भी कैप्चर कर लिया कि आप भी सब बिजनेस कर रही हो, सारी बहुओं को बिगाड़ रही हो। आंटी जी जो साड़ी बेचती है बहुत सालों से, तो यहाँ से हम लोग इमरजेंसी में साड़ी लेते हैं, अगर किसी को देना हो या खुद पहनना हो अचानक। पता है उधारी भी मिलती है, इधर गोरे गांव वाले जो लोग होंगे ना आके इधर आंटी से उधार ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस तरह की साड़ियाँ मिल रही हैं। ये दुकान जो है आंटी की मेरे घर के जस्ट बाजू में ही है। तो ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया साड़ी आंटी दिखा रही हैं। तो अगर हमें इमरजेंसी में साड़ियाँ चाहिए रहती है, तो अगर कोई आ गया किसी को देना लेना है तो यहाँ से ही लेके जाते हैं साड़ी इमरजेंसी में, नहीं तो मार्केट वगैरह जाना पड़ता है अगर मतलब हैवी साड़ी लेना है। और ये आंटी है ना बहुत लोग को उधारी में भी देती हैं, मतलब आप आराम से पैसा दो, तो इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं लेके आते हैं साड़ियाँ। और अच्छी साड़ियाँ रहती है, अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ रखती हैं आंटी। तो यहाँ ये देख सकते हैं ये पिंक कलर की रानी कलर की साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, सोच रही थी ले लूँ, फिर मैंने सोचा जाने दो बाद में देखूँगी, अभी जिसके लिए लेना है वो ले लेती हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम किससे मिलने आए हैं, किसी के घर पे आए थे, गए थे साड़ी लेने, और ये रही मेरी देने वाली साड़ी। और आई हूँ मैं एक आंटी से मिलने, भाभी की, मतलब भाभी आपकी क्या लगती है आंटी? आंटी, हाँ भाभी की, सॉरी भाभी की जेठानी है, प्रणाम भाभी जी। तो ये देखो ये आंटी के घर पे आए हैं, ये मेरे घर पे भी गई हैं कई बार, मेरी मम्मी को भी जानती है, मेरी सासू माँ को। तो मम्मी जी से भी मिलने कई बार मेरे घर पे गई हैं, और ये भाभी की जेठानी है। तो रास्ते में हम लोग मिल गए, तो भाभी अभी हम लोग को रास्ता भी नहीं पता था, खोज खोज के इमली का पेड़, इमली का पेड़ आप बताएंगे, जामुनी का पेड़, अच्छा जामुनी का पेड़, अच्छा सोचो, और हम लोग पता है पूरा इमली का पेड़, इमली का पेड़। तो आंटी बोली थी इमली का पेड़ है, वही मेरा घर है, तो हम लोग सब जगह इमली का पेड़ खोज रहे थे। दोस्तों ये रास्ते का व्यू है हमारे यहाँ का, ये छोटा सा मार्केट है, यहाँ शाम को हम सब्जी लेने आते हैं। तो मैं पैदल ही जा रही हूँ शॉर्टकट लेके। तो ये देख सकते हैं ये प्रेम नगर की मार्केट है, सब्जी मार्केट, तो यहाँ सब्जी लेने आते हैं हम लोग, बहुत बड़ी मार्केट है सब्जी की। इसके बाद हम आगे निकलते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ, तो मैं पैदल ही जा रही हूँ, देख सकते हैं भाभी अभी वहीं बात कर रही हैं, मुझे लेट हो रहा था तो मैं निकल गई हूँ। तो जहाँ मैं जा रही हूँ उनके लिए भी सरप्राइज है, सरप्राइज, क्योंकि मैं उनको बता के नहीं जा रही हूँ, बिना बताए जा रही हूँ।
तो वहाँ जाने के बाद उनका रिएक्शन कैसा रहता है आप लोग देखिएगा। अगर किसी को बिना बताए मिलने जाओ उसका एक अपना अलग ही मजा होता है। अरे देख सकते हैं इस तरह है, इधर बिल्डिंग है, तो यहाँ का इस तरह का लोकेशन है। तो आज तो मैंने रिक्शा ही भी नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सोचा मैं पैदल ही जाती हूँ। तो चलो मैं वहीं आप लोग से बात करती हूँ थोड़ी देर के लिए, बाय बाय। क्योंकि यहाँ मैं कई बार आ चुकी हूँ और आज लग रहा है कि मैं लास्ट बार आ रही हूँ, क्योंकि जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ वो गांव जा रहे हैं आज ही, उसके बाद पता नहीं आना होगा कि नहीं, वो तो नहीं पता। क्योंकि जो लोग घर में रहते हैं उन्हीं के बहाने हम जाते हैं, जब घर में कोई रहेगा ही नहीं तो कौन आएगा। तो बाद में देखते हैं कौन आने वाला है। अभी मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ, तो ये बिल्डिंग आप लोग ने देख के पहचान ही गए होंगे मेरे कई वीडियो में, जो लोग मेरे वीडियो वॉच करते होंगे फुल वॉच करते होंगे। तो ये है मेरे भाभी का मायका। तो भाभी के माँ बाबूजी आए थे, वो जा रहे हैं गांव, तो उन्हीं से मिलने मैं आई हूँ क्योंकि वो जा रहे हैं गांव तो मिलना तो बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं गेट पे बहुत सारी भीड़ लगी है, मुझे लगा झगड़ा उगड़ा तो नहीं हो गया, पर नज़दीक आने के बाद पता चला कि गेट बन रहा था, इसीलिए गेट के बाहर वाले बाहर खड़े थे, अंदर वाले अंदर खड़े थे। तो अभी गेट खुल गया है तो हम अंदर जा रहे हैं, इसीलिए भीड़ जमा हुई थी। देख सकते हैं कलौजी बनने जा रही है, भाभी कलौजी बनाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि रास्ते के लिए हमारे यहाँ स्पेशल कलौजी, करेला का कलौजी और पूड़ी ही लेके जाया जाता है। और ये है फिर से कुछ गुलबरी बनाने की तैयारी, जिसे गुलगुला भी बोलते हैं हमारे यहाँ, गुलबरी गुलगुला। गेहूं का आटा है, रवा है, चीनी है, बहुत लोग देसी गुड़ भी मिला के बनाते हैं, वो भी बनेगा, मीठा रहता है। और इधर बन रही है पूड़ी, तो यहाँ देख सकते हैं सब लगे हुई हैं। तो है मेरी भाभी पूड़ी। हेलो बोल दो मैडम। हेलो 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 बोल रही है किरण जू, एकदम गप्पा सिंह की जैसा बोल, हेलो कोई नहीं, मस्ती चालू है। तो अभी मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, तो चल रही हूँ घर पे, मैं घर जा रही हूँ। इधर देखो सब लोग बाय बोल रहे हैं, तो चलो मैं निकलती हूँ। और बाकी इधर मावा भी हैं, पर बब्बा कपड़ा ही नहीं पहने हैं, तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। तो दोस्तों बहुत टाइम हो गया है,
ये देख सकते हैं ये लिफ्ट आ जाएगी, फिर मैं जाती हूँ घर। मैं सोच रही हूँ अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।